है वो इतना भी। अमित शाह जी से जो मीटिंग हुआ था बहुत अच्छा हुआ था, लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट से आवाज़ निकल रहा है और जो दिल्ली बोल रहा है वो दो अलग अलग बात है। तो ये मैं उन्हीं के ऊपर छोड़ता हूँ, क्योंकि जो उन्होंने मुझे कहा है या फिर वो सच है या फिर जो मैं सुन रहा हूँ मीडिया से वो सच है, ये इसमें मैं अभी कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा। रहा बात जो मैंने देखा है मीडिया में, मुझे लगता है कि हमें 10,323 टीचर्स के बारे में बात करना चाहिए, हमें जो मैक्सिमम ऑटोनॉमी का बात किया जा रहा था उसके बारे में बात करना चाहिए, हमें कैसे यूथ को नौकरी देना है उसके बारे में बात करना चाहिए, हमें CBSE में कॉकब्रॉक में रोमन स्क्रिप्ट में कैसे हम लोग परीक्षा दें उसके बारे में बात करना चाहिए, हमें ग्रेटर की प्रलान के लिए बात करना चाहिए। लेकिन मैं क्या सुन रहा हूँ कि यहाँ में कोई किसी को नाम से बुला रहा है, कोई पर्सनल अटैक हो रहा है, ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए। हमको लगता है कि हमारा प्रायोरिटी है तिपरासा लोग, और हमको तिपरासा लोगों के लिए बात करना है। मैंने पहले से बोल दिया है कि मैं अपना मेरा कमिटमेंट फॉर ग्रेटर तिपरा लैंड एंड कॉन्स्टिट्यूशन सोल्यूशन फुल एंड फाइनल है, और अगर स्टेट गवर्नमेंट हमसे कोऑपरेट नहीं करेगी तो फिर हम भी अपना रास्ता निकालेंगे, क्योंकि हमारा फाइट पॉलिटिकल नहीं है, हमारा फाइट जाति के लिए है। और अगर आप 30% तिपरासा को छोड़कर त्रिपुरा में राज करना चाहते हैं, तब 30% तिपरासा भी नाखुश रहेगा, रिएक्ट करेगा, तो उनको भी सोचना चाहिए। और मुझे लगता है कि दोनों तरफ से पर्सनल अटैक्स नहीं होना चाहिए। पर्सनल अटैक से किसी का कुछ नहीं होता, कोई मुझे कुछ बोले या ना बोले, मैं जो हूँ वह हूँ, मुझे किसी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए और मैं किसी को सर्टिफिकेट भी नहीं देना चाहता। ठीक है सर। और आजाद की, और आजाद की, और आजाद की, और आजाद की। Gracias.